ओ तो तुम लोग आ गए, बिल्कुल सही समय पर आए हो। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि मैं आप सबसे कुछ बताना चाहता हूँ, और वो बात यह है कि जो हमारे दोस्त थे कूल डूड 69, वो कल एक बहुत भयानक एक्सीडेंट में चल बसे हैं और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। तो अब फिलहाल अब ये चैनल मैं ही हैंडल करूँगा, तो आप लोग को ये आदत डालनी पड़ेगी कि आप लोग। क्या बे, क्या क्या कर रहा है यहाँ पे? ए अरे भाई भाई, मैं तो मजाक कर रहा था। ये कैमरा बंद कर, क्या? चल ठीक है, इस बार गलती कर दिया है, अगली बार नहीं होनी चाहिए। मेरा चैनल हैक करने की कोशिश कर रहा था। हाँ, मिलो मेरे दोस्त से, अल्टीमेट टेक्सा यूट्यूबर। तो तुम लोग सोच रहे होगे कि भाई 25 दिन हो गए, कहाँ गायब है तू? सच में तो नहीं मर गया था? हाँ कुछ ऐसा ही समझो। थोड़े दिन पहले मैं बीमार था, फिर मैं कुछ दिन के लिए बाहर चला गया था, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। ये सब बकवास है, मैं बहुत ज्यादा आलसी हो गया हूँ, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल रहा था। और क्या ही फर्क पड़ता है, अभी वीडियो आ गई है। नहीं, और मैं अब डेली डालने की कोशिश करूंगा, हर बार की तरह मैं फिर से झूठ बोलूंगा तुम लोगों से। वीडियो को लाइक कर दो और जल्दी जाकर और देखो, गाइस कुछ नए कंटेंट आने वाले हैं। जल्दी जाकर वीडियो देखो, तब तक मैं इसका इसका गेम बनाता हूँ। जल्दी शुक्रिया मास्टर वुकोंग, ज़ॉम्बी समुराय, अब तू गया काम से। ईवो क्या लगता है तुझे, ये तेरे दो कौड़ी के बंडल से तू मुझे रोक पाएगा? मेरे सामने तुम सब कीड़े के समान हो, तुम सबको पता होना चाहिए। इस पूरे फ्री फायर में ऐसा कोई माई का लाल नहीं जो मुझे हरा पाए। मैं तुम सबको कीड़ों की तरह मसल कर रख दूंगा। ज़ॉम्बी समुराय, तू इन्हीं काली शक्तियों के आगे अंधा हो गया है, और तुझे ये भी नहीं दिखाई दे रहा कि तेरी मौत तेरे सामने खड़ी है। बस बहुत तबाही मचा ली तूने, अब समय आ गया है तेरा इस फ्री फायर को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कहने का। वो कौन? मैं तेरे पैतरे जानता हूँ, लेकिन लगता है तू मुझे भूल गया है। इस फ्री फायर में मुझे कोई नहीं रोक सकता। वो तो वक्त ही बताएगा ज़ॉम्बी समुराय। मुझे कमजोर समझने की गलती मत करना ज़ॉम्बी समुराय, आज तेरा अंत यही होकर रहेगा। ज़ॉम्बी समुराय, तेरा फ्री फायर में कब्जा करने का सपना कभी भी पूरा नहीं हो सकता। डीजे के, अब तू बच नहीं पाएगा। तुम लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया। अरे नहीं, ये क्या हो गया? ये ज़ॉम्बी समुराई तो पहले से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर हो गया है। काश काश यहाँ पे आ लोग और मेरे बांकी के साथ ही होते तो इसका मुकाबला वो कर सकते थे। अब मुझे रोक पाना तुम सबके लिए नामुमकिन है। यहाँ डीजे के का तो काम तमाम हो गया, अब तेरा क्या होगा वो कॉन्ग? बस बहुत छिप लिया, बहुत भाग लिया। तुझे क्या लगता है ज़ॉम्बी समुराई, तू इन काली शक्तियों के दम पर हम सबको हरा सकता है? बिल्कुल गलत, तू जैसे नमूनों को रोकने के लिए कोई ना कोई अच्छाई की ताकत जरूर आएगी। बस बहुत हुआ, बहुत कर ली बकवास तूने बंदर, अब तू मेरे हाथों से यही मरेगा वू कॉन्ग। ये मैं कहाँ आ गया, इसमें जरूर तेरा हाथ है लूबड़े। अब जल्दी से मुंह खोल और बता तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है, वरना अपने स्ट्रॉन्ग ब्रेकर से मार मार के मैं तेरे मुंह की चटनी बना दूंगा। तू जो भी हो मेरे रास्ते से हट जा, वरना उस वुकोंग के साथ तू भी मरेगा।
मैं हूँ थॉर, तूफान का देवता। ओह, ये क्या लगता है जज जॉम्बी समुराई के वापस आ जाने से मल्टीवर्स के सारे दरवाजे खुल गए हैं, और अब अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी दुनिया में बहुत तबाही होने वाली है। मैं हूँ थॉर, एस्गार्ड का राजा, तूफान का देवता और बंदर सी शक्ल वाले इंसान। अब तू भी अगर अपनी भलाई चाहता है तो मुझे बता, मुझे यहाँ पे तूने क्यों बुलाया है, वरना तेरा भी वही हाल करूँगा जो भी तेरे दोस्त का किया है। नहीं, तुम बिल्कुल गलत समझ रहे हो, हमने तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया, बल्कि ये जॉम्बी समुराई के वापस आने से मल्टीवर्स के सारे दरवाजे खुल गए थे, उसी के कारण तुम यहाँ आ गए हो। क्या मल्टीवर्स, और ये कौन है? मैंने पहले कभी इतना शक्तिशाली इंसान नहीं देखा। ये फ्री फायर का तो नहीं है और इस दुनिया का भी नहीं, तो ये आखिरकार आया कहां से है? कोई भी हो, लेकिन वो मुझे नहीं रोक सकता। क्या कहा, मल्टीवर्स? अब ये मल्टीवर्स कौन सी बला है? अगर ऐसी बात है तो मेरे साथ मेरे बाकी के साथी भी इस दुनिया में कहीं ना कहीं आ ही गए होंगे। ये दुनिया मेरी दुनिया की तरह ही है, लेकिन असलियत में वो मेरी दुनिया नहीं है। मेरे दोस्त, फिलहाल तो हमें इस जॉम्बी समुराई को रोकना होगा, क्योंकि अभी इस वक्त हमारा सबसे बड़ा दुश्मन यही है। इसके रहते हम तुम्हें तुम्हारे दोस्त के पास नहीं पहुंचा सकते। अब तुम सब यही बनोगे। पता नहीं ये जॉम्बी समुराई खुद को समझता क्या है। मैं अच्छा खासा अकेला अपनी जिंदगी जी रहा था, लेकिन इन्होंने मुझे अपना नौकर बना लिया है। लेकिन अब मुझे ना चाहते हुए फिर भी इनकी कही हुई बातों को मानना पड़ेगा। उसके लिए मुझे सबसे ज्यादा तबाही मचानी होगी। मैं सब कुछ खाक कर दूंगा। अब कोई नहीं बचेगा, सबसे चुन चुन कर बदला लूंगा, सब कुछ तबाह कर दूंगा मैं। ओह, लगता है मुझे आने में बहुत देर हो गई। तू छोटी मास्टर, अभी के अभी तबाही मचाना बंद कर दे, क्योंकि अब ये तेरे लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। नूब्रिके, ये लोहे की शक्ल वाले तू है कौन? तू मुझे चोटी मास्टर बोलता है, लेकिन तू तो एक सबसे बड़ा नूबड़ा जोकर लग रहा है देखने में। यहाँ से निकल जा अगर तू अपनी भलाई चाहता है, नहीं तो तेरा चूरमा बना दूंगा खड़े खड़े दो सेकंड के अंदर। तो लगता है कि तू ऐसे नहीं मानने वाला, तो ठीक है। क्यों, तुझे क्या लगता है तू मेरा मुकाबला इतनी आसानी से कर सकता है? लगता है तू अभी जॉम्बी समुराई की ताकत को ठीक से नहीं जानता। ये पता नहीं मैं किस दुनिया में आ गया हूँ, मुझे यहाँ किसी भी एवेंजर्स का सिग्नल नहीं मिल रहा है। इसमें जरूर इन्हीं लोगों की कोई चाल है। हाँ, मैंने तुझे समझा कर देख लिया, लेकिन तू नहीं समझा, तो अब जैसा तू चाहता है वैसा ही होगा। मैंने पहले ही से समझाया था, और अब मुझे अपने दोस्तों का पता लगाना होगा और ये मैं किस जगह पे आ गया हूँ उसका भी। लेकिन ये किसी ज़ॉम्बी समुराय की बात कर रहा था, जरूर वो इन सब का बॉस है, मुझे उसे ही खोजना होगा और फिर मेरे सारे सवालों के जवाब मुझे मिल जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, इस हयातो के बच्चे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, और ये आलोक ब्लडमून सकुरा को भी अपने साथ ले गया। इसने आज बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसकी कीमत तो उस हयातो को चुकानी पड़ेगी। ज़ॉम्बी समुराय उसे छोड़ेगा नहीं। कोई बात नहीं, आज तो इस हयातो ने अपने दोस्तों को बचा लिया, लेकिन अगली बार अगर इनसे मुलाकात हुई तो इनमें से कोई भी नहीं बचेगा। लेकिन हम ज़ॉम्बी समुराई को क्या जवाब देंगे? वो हमारे हाथों से बचकर निकल गए, लेकिन कम से कम हम लोगों ने उस विंटर आयरन थ्रेशर को तो मार ही दिया। हिप हॉप, तुम जाके ज़ॉम्बी समुराई के बाकी दुश्मनों का पता लगाओ, और मैं नाइट क्लाउन जाके हयातों के दोस्तों का पता लगाते हैं। जब भी उस हयातो का मुझे पता चलेगा, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो ठीक है, हमारे पास अब 3 दिन तक का समय है, उसके बाद हम सभी यही लोकेशन पर मिलेंगे।
मैंने तुम सबको कितना समझाया था लेकिन तुम लोगों ने मेरी एक ना सुनी और आखिरकार तुम लोगों ने वही किया जिसका मुझे डर था। अब देखो तुम लोग कैसी हालत बनाकर पड़े हुए हो। ऊपर से मास्टर वुकोंग ने हम सबको साथ रहने के लिए बोला था और तुम सब मुझे बिना बताए यहाँ चले आए और ये सब उसी का नतीजा है। मुझे पता नहीं था हिप हॉप के बारे में कि उसे ज़ॉम्बी समुराई ने अपने वश में कर लिया है, वरना मैं कभी भी उसके साथ नहीं जाता। साकुरा की जीत के कारण ही हम लोग वहाँ गए थे और मुझे पता नहीं था कि हिप हॉप इतना ज़्यादा ताकतवर हो गया है और मुझे तो लगता है कि इस हिप हॉप की ताकत के पीछे उस ज़ॉम्बी समुराई का ही हाथ है। ज़ॉम्बी समुराई को अभी तक तो हमारे जिंदा होने का पता भी चल गया होगा। हम यहाँ ज़्यादा देर तक सेफ नहीं है। हया तो हमें जल्द से जल्द अपने साथियों को बताना होगा और हम सबको एक साथ फिर से ज़ॉम्बी समुराई का सामना करना होगा। लेकिन शायद तुम लोग भूल रहे हो, मुझे मास्टर वुकोंग ने एक सीक्रेट मिशन पर भेजा था और उसी मिशन के दौरान मैंने अपनी पावर्स को इन्हेंस कर लिया है और अब भागने की जरूरत हमें नहीं उस ज़ॉम्बी समुराई को है। मैं वादा करता हूँ दोस्तों, हमारी अच्छाई की ताकत मिलकर उस बुराई से जरूर पीछा छुड़ा ही लेगी। तो भाई अब तेरे को पता क्या होने वाला है? हाँ। क्या? Shout out! हाँ, इसी वक्त का तो तुम लोग इंतजार करते हो ना। तो चलो shout out शुरू करते हैं। तुझे नहीं मिलेगा shout इस बार, ठीक ना? Please भाई, please दे दे भाई। इस बार तुझे shout out नहीं, तुझे shoot out मिलेगा। चल भाई, तो पहला shout out जाता है प्रिंस प्रकाश भाई को। पढ़ो भाई। भाई हयातो का एंट्री एक नंबर था और हयातो का पावर कभी कम मत होने देना भाई। बिल्कुल। अरे भाई उसका पावर कम नहीं होगा, अब उसका पावर बढ़ता ही जाएगा। बिल्कुल मेरी तरह। क्यों? चलो हमारा दूसरा शाउट आउट जाता है रशु रंगरा। अरे मैं पढ़ देता हूँ ना भाई। ब्रो आलोक को भी मोर 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 पावरफुल बंडल दे दो प्लीज करो। अच्छा सॉरी प्लीज ब्रो, आई एम एक्साइटेड टू न्यू लुक फॉर आलोक। ओके तो जल्दी आलोक को न्यू बंडल मिलने वाला है, बस मुझे इंतजार है कि फ्री फायर कोई अच्छा बंडल निकाले ताकि मैं उसे आलोक को दूं और फिर तुम लोग खुश हो जाओगे। चलो हम बढ़ते हैं हमारे अगले शाउट आउट की तरफ। तो हमारा अगला शाउट आउट जाता है नबील गेमर को। तो भाई पढ़ो। भाई नाइस वीडियो, मैं पाकिस्तान से हूँ, आप एक वीडियो बहुत अच्छी होती है, आपकी वीडियो बहुत अच्छी होती है, लव यू ब्रो, थैंक्स ब्रो, लव फ्रॉम इंडिया। ओके तो थैंक यू सो मच मेरे भाई इतना प्यार देने के लिए। चलो हम बढ़ते हैं हमारे अब अगले शाउट आउट की तरफ। तो हमारा अगला शाउट आउट जाता है वीसी गेमर की तरफ से। चल भाई पढ़ो। भाई पहले डीजे के एलीट पास आर्मी चलाता था, अब वो आर्मी कहाँ गई, उसे ला दो, लव यू भैया। तो यार डीजे के की एलीट पास की जो आर्मी है वो जल्दी देखने के लिए मिलेगी तुम लोगों को, क्योंकि क्या था कि पहले जोकर्स ने वॉट लगा दी थी ना एलीट पास आर्मी की और फिर उनका था पता लापता हो गया, पर्पल शेड भी गायब है। तो हाँ जल्दी आएगी। हमारा अगला शाउट आउट जाता है विन्यू गेमिंग को, जो कि बोल रहे हैं वीडियो इतना लेट अपलोड करते हो भाई, जल्दी करो करो, मैं तो हर रोज यूट्यूब ओपन कर देखता हूँ आपकी वीडियो कब आएगी, लेकिन आप तो अपलोड ही नहीं करते। सॉरी मेरे भाई, इतना प्यार करते हो ना तुम लोग, कभी कभी लगता है कि तुझे मार डालूं। भाई इसमें मेरी कोई गलती नहीं, तू ही वीडियो लेट बना के देता है, मैं क्या करूं। सॉरी भाई, अब जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूंगा, अभी मैं कुछ नई स्टोरी सोच रहा था ना इसलिए थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन अब जल्दी आएगी वीडियो। चलो बढ़ते हैं हमारे अगले शाउट आउट की तरफ। हमारा अगला शाउट आउट जाता है जेंट स्टंबल को, जो कि बोल रहा है हेलो भाई प्लीज क्रिमिनल के बारे में बताओ कुछ एंड रेड क्रिमिनल को नेक्स्ट लेवल पावर दे दो, ब्लड मून को भी हरा दे इस पावर दे दो, एडेड ब्लड मून नहीं ज़ॉम्बी अरे यार लिखा है भाई। चलो ठीक है मैं समझ गया, फिलहाल रेड क्रिमिनल को नई पावर्स मिलेंगी और उसके कुछ नए सीन्स आने वाले हैं बहुत ही ज्यादा ओपी वाले, और टॉप क्रिमिनल्स तो भाई फाड़ने वाली अब, तो बस तैयार हो, सब कुछ बता दूंगा अभी तो फिर एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगी तुम लोगों की, सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है नेक्स्ट एपिसोड में तुम लोगों को। बाय द वे आज की वीडियो में आपको नई एंट्री कैसी लगी आयरन मैन की, वो भी कमेंट करके जल्दी से बता देना। जरूर बताना। और बढ़ते आप हमारे अगले शाउट आउट की तरफ। तो हमारा अगला शाउट आउट जाता है BTS 990 ऑफिशियल को, जो कि बोल रहे पढ़ो।
भैया नेक्स्ट एपिसोड में जस्टिन बीबर वर्सेस जॉम्बी समुराई करवा दो, क्योंकि जस्टिन भी बहुत पावरफुल है। माय नेम इज साई, प्लीज गिव मी शाउट आउट, लव फ्रॉम दिल्ली। साई 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 990 बार साई। तो भाई आयुष शाउट आउट टू यू साई भाई। चलो बढ़ते हैं हमारे अगले शाउट आउट की तरफ। हमारा अगला शाउट आउट जाता है ऑल गेम्स के लिए, और ये बोले हे ब्रदर ऑसम, सारे बंडल्स रेयर और डायमंड के भी है, प्लीज ऐड फ्यू गोल्ड रॉयल बंडल। तो हाँ, गोल्ड रॉयल के बंडल मैं सोच रहा था ऐड करने के बारे में। और हाँ, एडम का बंडल है तो ब्रेक डांसर वाला, वो भी तो गोल्ड रॉयल का ही बंडल है, रेयर बंडल। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले शाउट आउट की तरफ। हमारा अगला शाउट आउट जाता है हेवन हैकर को, जो कि बोला के को दे दिया बंडल, वो साला पक्का गलत यूज करेगा उसका। नहीं यार, आज की वीडियो देखा है ना तुम लोगों ने, जॉम्बी समुराई को अभी पेलम पाल मचाया ना उसने, बेड़ू लोग वो बचाएगा बचाएगा, जो नहीं नाचता उसको भी नचाएगा, तू नाचेगा ना? हाँ भाई, लास्ट में भी स्टेप दूंगा ना अपना हुक। ठीक है, तो चलो अब बढ़ते हैं हमारे अगले शाउट आउट की तरफ, और ये हमारा आखिरी शाउट आउट है राजेश मिश्रा को, जो कि बोले ब्रो अगर ब्रो आप अगर मेरा शाउट आउट में लोगे तो मेरा नाम जीतू मिश्रा बोलना। ओके जीतू भाई, मैं भी जीतू, तुम भी जीतू, ये भी वैसे मेरा नाम सच में है ब्रो, पूरी टॉप क्रिमिनल एक साथ कब आएगी, प्लीज उन्हें साथ ले लो, लव यू ब्रो। तो यार जल्दी आएगी, मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अभी उनके बीच में अनबन है ना, थोड़ा मिलने तो दो। चलो तो आज के लिए बस इतने शाउट आउट, जिनको भी नहीं दे पाया हूँ तो उनके लिए दिल से सॉरी, नेक्स्ट टाइम जरूर देने की कोशिश करूँगा मैं, लेकिन ये बिल्कुल भी रैंडम होता है। हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में बिल्कुल 25 साल बाद, सॉरी जल्दी भला होगा, जल्दी मेरा भी चैनल सब्सक्राइब कर लेना भाई, लिंक पिन कर दिया हूँ कमेंट बॉक्स में। नहीं, इसका चैनल सब्सक्राइब नहीं, ये मेरा चैनल हैक करना चाहता था।